ऑल राइट, सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और गाइज, अभी अभी मैंने क्रोम ब्राउज़र में कुछ सर्च किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस मेरे सामने आ चुके हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर से इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम आ चुकी है, जो कि अभी कुछ देर पहले आपके साथ आई थी। यहाँ पर लिखा आ रहा है दिस साइट कांट बी रीच। तो अब मैं आपको इस वेबसाइट को ओपन करके बताता हूँ, यानी कि इस वेबसाइट को मैं आपके सामने वीडियो को पूरा देखना गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लाइव बताऊँगा इस वेबसाइट को ओपन करके। ओके, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर आपको ये एरर क्यों आता है। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, कुछ वेबसाइट्स जो होती है वो हमारे गवर्नमेंट द्वारा हमारे कंट्री में ब्लॉक कर दी जाती है, या फिर हमारा सर्वर उस वेबसाइट को सपोर्ट नहीं कर पाता है। ओके, तो ये कुछ रीजंस है इसके। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सो गाइज, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके क्रोम ब्राउज़र में छिपा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर आपके सामने साइड में थ्री डॉट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, बट इनमें से गाइज एक ऑप्शन है प्राइवेसी का। तो इस प्राइवेसी वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, ध्यान से देखना गाइज, मैं आपको जो स्टेप्स बता रहा हूँ उन्हें आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो जैसे ही आप प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जो कि है क्लियर ब्राउजिंग डाटा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमें डाटा ही तो क्लियर करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन गाइज, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको बस डाटा ही क्लियर नहीं करना है, यहाँ पर आपको कुछ एडवांस सेटिंग करनी है, कुछ और भी सेटिंग्स करनी है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना गाइज, मैं आपको लाइव इसका सॉल्यूशन करके बताऊँगा, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो 101% सॉल्व हो जाएंगी। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है। आप जैसे क्लिक करते हैं क्लियर ब्राउजिंग डाटा के ऊपर, तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, और इन्हीं के बीच आपको एक ऑप्शन मिलेगा कुकीज़ एंड साइट डाटा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके आगे आपको टिक लगा हुआ नहीं दिख रहा है, तो सिंपली आपको इसके ऊपर टिक लगा देना है। और साथ ही दोस्तों, आपको एक और काम करना है कि यहाँ पर साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जो कि है टाइम रेंज का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर से आपको सिंपली ऑल टाइम के ऊपर चूज़ कर देना है। ओके, और इसी के साथ दोस्तों, आपको एक और स्टेप फॉलो करनी है। स्टेप कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जो कि है एडवांस का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, बट गाइज, इन सभी में से आपको ओनली तीन ऑप्शन के आगे टिक करना है। ये जो टॉप थ्री आप देख रहे गाइज, उन सभी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसमें भी गाइज, आपको एक और स्टेप फॉलो करनी है कि यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा टाइम रेंज का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर से भी आपको ऑल टाइम के ऊपर चूज़ कर देना है, ठीक है। अब इतना कुछ कर देने के बाद आपको क्लिक करना है क्लियर डाटा के ऊपर। तो ये हो गई पहली स्टेप, अब हम बढ़ते हैं दूसरी स्टेप की ओर। और गाइज, ये जो स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप इस सेटिंग को अपने फ़ोन में नहीं करते हैं तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगी, लिटरली गाइज। तो इस सेटिंग को आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये स्टेप कैसे फॉलो करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है टर्बो VPN। अब इसे कैसे डाउनलोड करते हैं तो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि आपको इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो आपको सिंपली इसे ओपन करना है। ओपन होते ही ये आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जो कि है टैप टू कनेक्ट, और इसी के नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा मूली का, एक सेकेंड, ये गाजर है ना, तो सिंपली आपको इस गाजर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे क्लिक करेंगे गाइज, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा कनेक्टिंग, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, और बस गाइज, आपका काम हो चुका है। आपने देखा कितना इजी था इस एप्लीकेशन को यूज़ करना, और आपका जो काम था वो पूरा हो चुका है। ओके, अब मैं आपको वही वेबसाइट दोबारा ओपन करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली आ जाता हूँ बैक, और मैं फिर से चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। अब यहाँ पर मैं वही वेबसाइट दोबारा टाइप करता हूँ जो कि मैंने कुछ देर पहले की थी। तो ये मैंने कर दी टाइप, और मैंने इसे कर दिया सर्च, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज कि वो जो ऑप्शन था वो यहाँ पर आ चुका है। यही लिंक थी गाइज जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया था, लेकिन वहाँ पर आ रहा था दिस साइट कांट बी रीच। तो अब दोबारा इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं।
और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट थी वो ओपन हो चुकी है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा आ रहा था दिस साइट कांट बी रीच, यानी कि एक तरीके से ये हमारे इंडिया में ब्लॉक थी, लेकिन हमने इसे अनब्लॉक कर दिया है और अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का लाइव सॉल्यूशन बता दिया है, तो बस आप कुछ इसी तरीके का यूज़ करके कोई भी वेबसाइट देख सकते हैं, कोई भी वेबसाइट को अनब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसी से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। दोस्तों मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।